हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके सामने डिस्कस करने के लिए नॉकआउट पार्ट टू में। ओके, तो पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था नॉकआउट पार्ट वन, उसमें जस्ट मैंने डिस्कस किया था आपके साथ फिक्स्चर क्या है और उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है। आज मैं पूरा बताऊंगी कि नॉकआउट का फिक्स्चर हमें कैसे बनाना है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वगैरह वगैरह। ओके, सो लेट अस नॉकआउट पार्ट टू। नॉकआउट फिक्स्चर क्या है? सबसे पहले एक बार फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको। फिक्स्चर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टीम्स इन सिस्टमैटिक ऑर्डर फॉर हेल्दी कंपटीशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स्चर्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस। व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट एंड हुम, ऑल क्वेरीज आर फुलफिल्ड बाय अ फिक्स्चर। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। टीम्स को एक शेड्यूल में हमें फिक्स करना है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्चर। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है फ्रेंड्स, जस्ट पे अटेंशन हियर। अ टीम कंटिन्यू टू प्ले फर्दर मैचेस एज पर डिसाइडेड शेड्यूल टिल डिफीटेड। यानी कि एक जो हम टीम हमारी खेलती हैं, जब तक वो जीतती रहेंगी उनका कॉम्पिटिशन कंटिन्यू चलता रहेगा, और जिस भी पड़ाव पर वो हार जाती हैं, वंस दे आर डिफीटेड दे हैव टू गो फ्रॉम द टूर्नामेंट, बाहर जाना पड़ेगा उन्हें। तो यही हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट है, और कहने की बात आप या फिर कह सकते हैं कि यही हमारा जादू है नॉकआउट टूर्नामेंट का। ओके, देखिए मैं यहाँ फिक्स्चर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 11 टीम्स आर देयर, तो मैंने उनका फिक्स्चर बना दिया है, और सबसे पहले 11 टीम्स को हम अरेंज करेंगे ऑर्डर वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। आप इनकी जगह जो भी उनके नाम हैं, अगर स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग तो आप बाय ड्रॉ फ्लॉट्स उन स्कूल्स के नाम लिख लीजिए। अदर इफ इट इज नेशनल टूर्नामेंट तो आप स्टेट्स के नाम लिख सकते हैं बाय ड्रॉ ऑफ फ्लॉट्स। फिर उनको डिवाइड करेंगे हम टू हाफ में, फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट अपर हाफ एंड लोअर हाफ। नाउ फ्रेंड्स, मैंने आपको बाई भी सिखाया था कि बाई होती क्या है और उनको कैसे अलॉट करना है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से छोटा सा आपको जस्ट रिवाइज करवा देती हूँ। तो पहली बाई आप बताइए, यस, पहली बाई हमारी जाएगी लास्ट टीम ऑफ सेकेंड हाफ या फिर लोअर हाफ यू कैन से। सेकेंड बाई कहाँ जाएगी हमारी? फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, वेरी गुड। नाउ आफ्टरवर्ड्स बताइए मुझे थर्ड बाई कहाँ जाएगी? यस, अकॉर्डिंग टू आवर फिक्स्चर हमारे शेड्यूल में आप देखिए, थर्ड बाई हम देंगे टीम नंबर 7 को, एंड फोर बाई अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अलॉटमेंट इट विल गो टू द 6th नंबर ऑफ टीम, वेरी गुड। नाउ अगर हमारे पास 5 बाई है, आपको याद है 11 टीमों में कितनी बाई होंगी? यस, 5 बाईज आर देयर। तो 5th बाई अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस और मेथड ऑफ अलॉटमेंट कहां जाएगी? टीम नंबर 10 को। तो ये हमने बात की फर्स्ट राउंड की, क्योंकि बाई जो है हमारी वो फर्स्ट राउंड में ही हमें हम देते हैं, या फिर फर्स्ट राउंड में ही हम टीमों को रेस्ट देते हैं, उसको हम बाई बोलेंगे। ओके, नाउ सी द सेकंड राउंड। यहाँ पर जो टीम जीत रही है, द विनिंग टीम विल गो टू द सेकंड राउंड एंड द रेस्ट ऑफ द टीम यानी कि डिफीटेड हम उनको छोड़ देंगे, दे आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। नाउ सी द सेकेंड राउंड, नंबर 3, 1, 6, 4, 7, 9, 10, 11 These are the teams who will participate or continue in the second round. Third round देखिए, yes, team number 1 and 6. Now lower half में 9 and 11. Now अब जो team जीत रही है, the winning team will move to the final round. Of course number 1 and 11. And who is the winner? Number 1. Yes friends, यहाँ मैंने formula भी लिखा है फर्स्ट हाफ का और सेकंड हाफ का। अगर आपको थोड़ा डाउट है कि हम इनको कैसे डिवाइड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू कैन डिवाइड द टीम्स। नेक्स्ट, नॉकआउट के भी टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, सिंगल नॉकआउट एंड डबल नॉकआउट। सिंगल नॉकआउट जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो बिल्कुल फिट होती है हमारी सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट पे। एक बार फिर से मैं जस्ट आई एम रीडिंग आउट, in which a team get only one chance to play, if defeated then that particular team have to go out of from the tournament, yes, eliminated from the competition. Now double knockout, in this competition a team get another chance to play against other teams, yani ki ek bar wo khel chuke hain no problem,
whether they are defeating or not defeating, so they have to they are getting one more chance to play. That is the definition of double knockout. Now friends, here I am also discussing about the consolation tournament. तो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट क्या होता है फ्रेंड्स, आप अगर नजर मारेंगे तो देखिए एक बार पहले वाला फिक्स्चर, ये देखिए आप, ये अकॉर्डिंग टू दिस फिक्स्चर आप इनमें वो टीम नोट कर लीजिए या उन टीमों का नंबर नोट कर लीजिए, जैसे कि टीम नंबर 2, टीम नंबर 5, टीम नंबर 8, टीम नंबर 11, ऐसे करके आप देख लीजिए कौन कौन सी टीम जो है वो हार गई है, और हारी हुई टीमों को आपको उसमें लिखना है, हारी हुई टीम्स को नंबर लिख लीजिए और उनका फिक्स्चर आप दोबारा बना लीजिए, और फिर से हम उनका जो कंपटीशन कराएंगे दैट इज कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट. एक बार डेफिनेशन में बताती हूँ आपको, इट इज सिमिलर टू नॉकआउट फिक्स्चर बट मेन डिफरेंस इज डिफीटेड टीम्स फ्रॉम द नॉकआउट, सिंगल नॉकआउट यू कैन से, ओनली पार्टिसिपेट इन इट. फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो डिफीटेड टीम्स हैं वही इस टूर्नामेंट में पार्ट लेंगी. देख लिया आपने? यस. अब फ्रेंड्स आगे भी देखिए, कॉन्सोलेशन के भी हमारे पास टू टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. एक बार मैं फिर से बताती हूँ, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया दैट इज कॉन्सोलेशन टाइप 1. देखिए मैंने एग्जाम्पल भी बताया है, 2, 4, 5, 7, 8 and 10 टीम्स, जो टीम्स हमारी हार चुकी थी. तो टाइप 2 टूर्नामेंट कॉन्सोलेशन वाले में वो टीमें पार्ट लेंगी जो टीमें हमारे टाइप कॉन्सोलेशन 1 में हार चुकी हैं. ध्यान रखिए, इट इज सिमिलर टू डबल नॉकआउट टूर्नामेंट. यस, जैसा कि हमने डबल नॉकआउट का अरेंजमेंट किया था, सेम वे कॉन्सोलेशन टाइप 2 का अरेंजमेंट करना है. बट हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो टीमें हैं वो कॉन्सोलेशन टाइप 1 में हार चुकी हैं, वो टीमें हैं, हम उनको दोबारा चांस दे रहे हैं. ठीक है, ऑल डिफीटेड टीम्स फ्रॉम कॉन्सोलेशन टाइप 1 टूर्नामेंट आर रीअरेंज्ड इन फिक्स्चर. पे अटेंशन फ्रेंड्स, रीअरेंज्ड इन फिक्स्चर टू प्ले एंड सेलेक्ट अनदर विनर. ओके, देखिए व्हाई टू अरेंज कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट्स, ऑफ कोर्स टू गिव अनदर चांस टू द डिफीटेड टीम्स. स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी बाय फार अवे टीम्स आर यूटिलाइज्ड हियर. मेंटेन हाई स्पिरिट बाय द टीम्स. Maintain attraction and sportsman spirit. Continue the audience interest. Yes friends, एक बार आपको हिंदी में भी ये चीजें explain कर देती हूँ. Consolation tournament हम क्यों रखवाते हैं? देखिए बहुत सारी टीमें होती हैं जो काफी दूर से आती हैं, और जैसा कि हमारा knockout tournament का rule है कि एक बार अगर टीम first round में या जिस भी stage पर वो हार गई हैं, तो उनको tournament छोड़कर जाना होगा. Yes, इतनी दूर से टीम आती है, they spend lots of money. तो उनका इंटरेस्ट बना रहे, कई बार हम कहते हैं यार इतनी दूर से खेलने के लिए आए और एक टूर्नामेंट हार गए एंड वी आर द आउट ऑफ कंपटीशन. यस, उसको मेंटेन करने के लिए उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन उनका बना रहे, उनकी स्पिरिट बनी रहे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम ऐसे लोगों के लिए, ऐसी टीम्स के लिए हम कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट अरेंज करते हैं, ताकि हमारे ऑडियंस का भी इंटरेस्ट बना रहे, हमारे पार्टिसिपेंट्स का भी इंटरेस्ट बना रहे, उनको ऐसा ना लगे कि इतनी दूर से हम आए, हमारा इतना समय वेस्ट हुआ, हमारा इतना पैसा लगा, तो उनको भी कुछ ना कुछ हासिल हो फ्रेंड्स. तो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट हम उनके लिए अरेंज करवाते हैं. यस फ्रेंड्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड नॉकआउट फिक्स्चर फॉर 11 टीम्स, सिंगल डबल नॉकआउट टूर्नामेंट एंड टू टाइप्स ऑफ कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट्स. फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपकी हो या कोई भी डाउट आपको हो या आपको लगता हो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होना चाहिए, कुछ और भी फर्दर डिटेल्स होनी चाहिए, तो वेरी वेल यू कैन सजेस्ट मी ऑन माई जीमेल dropifoki@gmail.com. थैंक यू फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शांति से आपको सुनने के लिए धन्यवाद. बाय.